बालों के लिए एक ऐसी औषधि, एक ऐसा मिश्रण जो आपके बालों को जड़ से ताकतवर बनाएगा, साथ ही में आपके बालों का टूटना रोक देगा और इसके लगातार आपके एक हफ्ते के इस्तेमाल से कई ज़्यादा समय तक, कई सालों तक आपके बाल पोषित रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हमने ये मिश्रण तैयार करने के लिए कुछ कलौंजी, जिसे हम निगेला सीड्स या फिर ओनियन सीड्स भी कहते हैं, वो लेना है। दोस्तों, इससे हमारे सर में, हमारी स्कैल्प को इतना ज़बरदस्त पोषण मिलता है जिससे आपके बाल इतने स्वस्थ होते हैं कि उनका ग्रे होना, टूटना, कमज़ोर पड़ना, बालों में शाइन चले जाना, ये सारी चीज़ों का इतने पूर्ण रूप से ध्यान रखता है। आपके जो स्कैल्प के फॉलिसिकल्स होते हैं, बालों के जो भी पोर्स होते हैं स्कैल्प के, वो बहुत अच्छे से नरिश करता है। तो हमने क्या करना है, लगभग 3 बड़े चम्मच कलौंजी के पीस लेने हैं। मेरे पास चम्मच छोटा है तो मैं इसे पीसीज में ले रहा हूँ, लेकिन आप 3 चम्मच लगभग पूरे भर के कलौंजी के ले लें। मैं मिश्रण थोड़ा कम बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से कुछ मिश्रण तैयार है, तो वो मैं आगे अभी ऐड कर लूँगा। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, इसको एकदम बारीक अच्छे से पीस लेना है। तो हम फटाफट से इस मिक्सी के जार को बंद कर लेते हैं और इसे पीस के दिखाते हैं आपको। एक चीज़ ध्यान रखें दोस्तों, इसे पीसते वक्त आप बहुत ही बढ़िया एकदम मुहिम करें, इसका बढ़िया से पाउडर बनाएं, दर्दना नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। जितना आप पीस सकें उस हद तक जाके आपको इसे पीसना होगा। तो हमने सारा का सारा इस कलौंजी को पीस लिया है, अब इसे हम फटाफट एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्लेट में निकाल लेते हैं। और उसके बाद दोस्तों, आपको कलौंजी में एक बहुत ही असरदार चीज़ मिलानी होगी दोस्तों, वो है एलोवेरा। घर पे एलोवेरा या तो आप एकदम फ्रेश उगा लीजिए, क्योंकि एलोवेरा के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ एलोवेरा के फ़ायदे पे, या फिर मार्केट का एलोवेरा ले आएँ। मैं इसमें दोनों चीज़ें मिक्स करूँगा, लेकिन घर का बहुत ही बढ़िया फ्रेश होता है, तो इसको मैं आपको काट के दिखाता हूँ। और आप भी कोशिश करिए अगर आप घर का इस्तेमाल कर सकें। महज 30-40 रुपए में एलोवेरा का पौधा आपको बाज़ार में किसी भी नर्सरी से मिल जाएगा और आप आराम से इसे घर पे लगा लें। स्किन पे, चेहरे पे, आपके बालों के लिए एलोवेरा बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है। तो चलिए थोड़ा सा एलोवेरा इसमें मिलाते हैं और आपको बताते हैं आपको इसको क्या सही समय होगा अप्लाई करने का। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आधी अधूरी जानकारी शायद ही आपके काम आ सके। तो चलिए, हमने फटाफट से पूरा का पूरा एलोवेरा पील कर लेना है। ये एलोवेरा कम पड़ेगा तो मैं मार्केट का जेल थोड़ा सा मिक्स कर लूँगा, या आप एलोवेरा के मिश्रण के साथ हल्का सा पानी भी मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एलोवेरा होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके स्कैल्प को अच्छे से नरिश किया जाए। तो ये हमने दोस्तों एलोवेरा ले लिया है, इसको आप एक कटोरी में डाल लीजिए और कटोरी में डालने के बाद इसको हल्का सा तोड़ लीजिए। उसी में आप चाहें तो थोड़ा सा बाजार का एलोवेरा भी मिला सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और हल्का सा पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें, क्योंकि पानी भी एलोवेरा के साथ मिक्स करके अच्छा काम कर देगा आपके बालों के लिए। तो जितना एलोवेरा निकल सकता था हमने निकाल लिया है, और अब इसको हल्का सा इस चम्मच की मदद से ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये एलोवेरा लगभग हमें मिल गया है। तो अब हम इस एलोवेरा को डाल लेते हैं, इसी जो हमने कलौंजी को ये हमने पीस के रखा है इसमें ऐड कर लेते हैं। कलौंजी बहुत ही बढ़िया, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, बालों के लिए औषधि है, बालों में शाइन लाती है, बालों में बढ़िया मेरे को असर मिला है। मैं अक्सर ये लगाता हूँ और मुझे असर मिला है, इसीलिए मैं आपसे बातें शेयर कर रहा हूँ। मेरे को शाइन मिलती है बालों में, ग्रेइंग मेरी डिले हुई है, जहाँ 2-4 बाल सफ़ेद आना शुरू हो गए थे, मेरे बाल भी सफ़ेद ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो बहुत ही बढ़िया आराम मिल रहा है। अब देखिए, हमने सारा का सारा जेल अच्छे से मिक्स कर लेना है। यह एलोवेरा जो हमने डाला है इसमें, ये इस पीसी कलौंजी के साथ मिक्स कर लेते हैं। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एलोवेरा मेरे पास कम था जो मैं तोड़ के लाया हूँ अपने ही घर से। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, थोड़ा सा और एलोवेरा इसमें ऐड करने की कोशिश कर लेता हूँ, अगर कहीं थोड़ा बहुत बचा हुआ है। नहीं तो इसमें मैं क्या करूँगा, हल्का सा बाजार का एलोवेरा या फिर थोड़ा सा रोज़ वाटर या फिर नॉर्मल वाटर इसमें ऐड कर लेता हूँ, ताकि मैं अच्छे से इसको सर पे अप्लाई कर सकूँ, नहीं तो ऐसे ड्राई ड्राई मेरे सर से गिर जाएगा। तो चलिए, मैंने इसमें हल्का सा रोज़ वाटर ऐड कर लिया है। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके का बन के तैयार हो गया है। ये कुछ मैंने पहले से भी बना के रखा था, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। तो अब ये मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब दोस्तों, आपको इसको अप्लाई कैसे करना है,
ये एक तरीके का एक बहुत ही बढ़िया हेयर पैक बनके तैयार हो गया है और ये हेयर पैक बालों को बहुत अच्छा सा नरिश और बालों को शाइनी बनाता है। आराम मिलेगा आपको, आपके स्कैल्प पे स्वस्थ होते हैं स्कैल्प इससे। तो चलिए दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको अपने बालों पे नहाने से आधा घंटा पहले इसको ऐसे सर्कुलर फॉर्म में स्कैल्प के ऊपर अच्छे से अप्लाई करना है। जैसे ही आप इसे स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करके एक घंटे के लिए छोड़ देंगे तो ये अपना काम करना शुरू कर देगा आपकी स्कैल्प के ऊपर, उसको नरिश करना शुरू करेगा, ढेर सारी मेहनत करेगा। और आप जानते हैं ये नेचुरल चीज़ है, कोई इसमें हमने केमिकल तो मिलाया नहीं, फ़ायदा ना भी हो आपको नुकसान तो पक्का ही नहीं होगा। तो एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है, ज़रूर ट्राई करिए। मुझे अक्सर आराम मिलता है, मेरे शाइन बालों में अच्छी आती है, तो मैंने सोचा ये फटाफट आपसे रेमेडी ज़रूर शेयर करी जाए। तो चलिए दोस्तों, लगता है बहुत फ़ायदे का वीडियो रहेगा आपके, तो चलिए हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली एक ज़बरदस्त वीडियो के ऊपर, जिसमें हम आपको जैसे कि हमने ये लेप सर के लिए बना के दिखाया है, ऐसी हम ये जो नया वीडियो अब शुरू हो रहा है इसमें हम एक आपको शैम्पू में बहुत ही ज़बरदस्त एक नई चीज़ मिला के दिखाने वाले हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसी क्या चीज़ मिलाई है शैम्पू में और ये क्या पानी सा सर पर डल रहा है जिससे हमारे बाल स्वस्थ हो सकते हैं। तो इस पर दोस्तों हमने एक डिटेल्ड वीडियो तैयार किया है, ये भी वीडियो आपके बालों की शाइनिंग के साथ साथ आपके बाल की ग्रोथ के लिए आपको मदद करेगा। मुझे भी अक्सर और मेरी वाइफ को भी इन्हीं चीज़ों में अक्सर मदद करता आया है। तो ये भी लेप मैं और ये भी जो नया वीडियो आपके सामने चल रहा है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में कैसे आप बालों की रीग्रोथ में अपने मदद कर सकते हैं। मैं शैम्पू में ही घर पे पाए जाने वाली एक दो चीज़ें ही मैं इसमें मिक्स करने वाला हूँ बालों की शाइनिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं मैंने एक शैम्पू ले लिया है और साथ ही में आपको एक चीनी दिख जाएगी अभी बहुत ही जल्दी कटोरी में, और उस पीसी हुई चीनी का क्या मदद होने वाली है, क्या फ़ायदा होने वाला है, वो भी इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में पता चलेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही यूनिक रेमेडी और ऐसी टिप्स मैं आपके लिए सदा ही लाता रहता हूँ। तो दोस्तों ये जो अभी मिश्रण बन के तैयार हो रहा है इसका डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक छोड़ दूंगा जो डिटेल में आपको आपके बालों को नरिश करने के लिए ये वीडियो लेके जाएगा। तो आप ये वीडियो भी ज़रूर चेकआउट करिएगा दोस्तों। तो हम अक्सर ही आप देखते हैं कैसे मेहनत करते रहते हैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया टिप्स रेमेडीज लाने के लिए। तो आप जाने से पहले ज़रूर डिलीशियस स्वीट को दोस्तों फॉलो कर दीजिएगा और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करेंगे तो दोस्तों हमें लगेगा कि हमारी मेहनत सफल हुई और आपको ये वीडियो पसंद आया। तो प्लीज जाने से पहले एक लाइक तो बनता है दोस्तों, हमारे पेज डिलीशियस फूड को जरूर फॉलो और इस वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिए। मैं चलता हूं और इसका डिटेल वीडियो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जो आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर देगा। मैं चलता हूं, अपना और अपनी फैमिली का इस महामारी के समय ख्याल रखें दोस्तों।